global advertiser for innovative outdoor. तो अनंत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी उनमें से एक हूँ। हमारा प्रयास ये रहता है हमारा देश अखंड रहे, हम धर्म के काम करें, हम सामाजिक काम करें, हम दिव्य काम करें, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रह सके, सबको साथ में लेके चल सके और एक ऐसे वातावरण का हम लोग निर्माण कर पाए, किसी एक छोटे बच्चे की चप्पल भी चोरी नहीं हो, सब लोग साथ में जो खड़े रहे, एक माँ बच्चा बड़े बूढ़े सबको एक शांति रहे, सुकून रहे कि मैं भारत में हूँ। इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, आप देखेंगे हमारे भारत का कल्चरल फैब्रिक इतना मजबूत है। आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ जो मुस्लिम संख्या थी वो लगभग 8% से आज 3% हो गई है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश आज वहाँ पे 0.1% हिंदू रह गए। ये क्या दर्शाता है? ये हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं दर्शाता है, ये दर्शाता है कि किसी भी हिंदुस्तानी में, किसी भी भारतीय में सहनशीलता है, वो एक दूसरे को साथ में लेके चलता है और वो एक भाईचारे का वातावरण बना के चलने की इच्छा रखता है। हम लोग उसी इच्छा को, उसी संस्कार को, उसी देशभक्ति को अपने अंदर रखते हुए ये प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके हमारे देशवासियों के लिए काम करें, हमारे धर्म के लिए काम करें, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए काम करें, ताकि हमारे बच्चों को उनका धर्म पता हो, वो भटके नहीं, उनको ये पता हो कि अगर वो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो वो क्यों जड़ा चढ़ाते हैं, अगर वो संक्रांति मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, अगर गणपति मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं। ये हमारे को अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है, ये हम सबको मिलके लड़ाई लड़नी है अगर हमें हमारी संस्कृति बचानी है, हमारा देश बचाना है। देखिए आज का ये जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के जो महामंत्री है कृष्ण शुक्ला जी, उन्होंने आयोजित किया हुआ है। हर साल की तरह ये साल भी उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, रेसिडेंट लोग हैं, जो श्रद्धा भक्ति रखते हैं शिरडी साईं बाबा पे, शनि शिवराम पे, त्रिंबकेश्वर में जाने की इच्छा रखते हैं और कुछ कारणवश नहीं जा पाते, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस इच्छा को जान के लेके उन लोगों की मनोकामना पूर्ण करने की एक कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे युवा नेता हैं और ऐसे विचार जो संस्कृति निभाने की कोशिश करते हैं, लोगों की इच्छा निभाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और इसीलिए अभी रात के 11:30 बज गए हैं, फिर भी हम महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं उन्हें शुभेच्छा देने के लिए सभी यात्रियों को। मैं ऐसे पूछने से मैंने सभी कहा है उनके बारे में, मैं भी इतना ही कहूँगी कि नहीं, जब से मैं भी उनके साथ जुड़ी हूँ और मैं जब तक नई भाजपा में जुड़ी हूँ, इस मंडल में मैं काम देख रही हूँ, तो शुक्ला साहब का काम, मैं भाजपा को लेवल पे ले जाने का काम जो शुक्ला साहब करते हैं, मुझे नहीं लगता और यहाँ का कोई कार्यकर्ता ऐसा काम करता है, तो बहुत बहुत बधाई हो। और जितने लोग जा रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत।